नमस्कार आम स्वतंत्र उपस्थापना बजेट आशा को स्वागत करछी मुनिलिमा। रास्ता बहुत कठिन, लक्ष्य किंतु बहुत दूर। दुस्थ अर्थनीति को ट्रैक को फेरे आनिबापाई अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कौन करिछंती रणनीति, कौन रणनीति अपना जाइछि, कौन रही भानुमती पीढ़ी एने समस्त भितर आशा एवं उत्कंठा बढ़िया लगी। कारण आउ किछि घंटार अपेक्षा काली संसद उपस्थापन हो बजेट यूनियन बजेट 2021-2022 पर्यंत। तेणु आशा अनेक रही कि शिक्षा कहतु, स्वास्थ्य कहतु, कृषि कहतु, खासकर एमएसई सेक्टर में बहुत हुए तो पुंजनिवेश किसी नूतन घोषणा पारे। सबुठ बड़ कथा हो भितरे कि केमी भाव में जो अर्थनीति बिगड़ जा मेरुदंड भांगी जा उठाइबा और लोकों पकेट को केमी टा आस कौन स्वतंत्र भाव में प्रस्तुति कर बजेट कौन उपस्थापन होपर समस्त नजर। तेणु आम आलोचना ओडिशा ता भितर केते फायदा पाइब, ओडिशा जो दाबी करिछि एवं ओडिशा 6 वर्ष भितर मोदी सरकार तांकर प्रथम टर्म एवं सेकेंड टर्म प्रथम वर्ष भितर जहाँ जहाँ अनुदान देखते ओडिशा केते उपकृत होइछि एवं आग को कौन दाबी रखुछि एवं दाबी मुताबक से हिसाब से बजेट ओडिशा पई किछि स्पेशल रखा जाइछि कि। कारण पूर्वोदय मिशन जो रही मोदी सरकार फोकस रही ओडिशा जहाँ कहा जाउछि मोदी सरकार पक्षर। तेणु तमाम विषय में आलोचना करवा आम सहित उपस्थित रही सरोज सामल बीजेपी नेता, आम सहित रही ज्ञानदेव बेहरा रही कांग्रेस नेता, आम सहित मत रहे प्रोफेसर अमरेन्द्र दास अर्थनीति विशेषज्ञ। आपको समस्त को स्वागत करे तो किसी समय पर आम सहित किसी अतिथि जोड़े कि बर्तमान आम सहित सीत सामल रही बीजेपी नेता। तो सामल आपण आलोचना आरंभ करी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोटे कथा कि पूर्वोदय मिशन जो रही कि भाव में पूर्व भारत विकास हो नारा आम शुणी आस प्रथम दिन रु मोदी फोकस रही है सहीटा भितर ओडिशा को स्वतंत्र ध्यान दि जाऊार उन्नति अनेक प्रकार मत बजेट करनेक प्रकार अनुदान भी दि जाऊँ। तेणु आपण प्राथमिक प्रतिक्रिया हिसाब से जेहतु आसंता का संसद उपस्थापन हो यूनियन बजेट 2021-22 आप कौन आशा रखिश समस्त नमस्कार। आसंता काली यूनियन बजेट 2021-22 पार्लियामेंटर उभय गृह उपस्थापित हो तेणु मु संपूर्ण आशावादी अच्छी ओडिशार सामाजिक सामग्रिक एवं सामूहिक विकास पर गोटे समतुल बजेट आसंता काली पार्लियामेंटर आगत हो जो थरे ओडिशार कृषि ओडिशार शिल्प ओडिशार सेवा ओडिशार मुख्य जिनस हूँ भित्तिमि आर केमी व्यापक विस्तृत अभिवृद्धि घटी पार से केन्द्र सरकार का बजेट पेश करेंगे। आ बाद भी आप देखु ओडिशार जोटा सबुठ बड़ समस्या पानी जल समस्या प्रत्येक घर को पानीय जल केमी पहुँची पार से भी से प्रायोरीटी दिहब ता बाद भी देखु जो बासगृह रही से बासगृह को लेकिन भी से बजेट्रे प्रायोरीटी दिहब बोल कि संपूर्ण आशावादी किंतु यही परिप्रेक्ष्य में कहना चाहिए निड़िया मैडम देखु ऑलरेडी इकोनॉमिक सर्वे अर्थात आर्थिक समीक्षा आसी सारी देखु बजेटा कौन करे अतीत को भविष्य सांगे कनेक्ट करे बजेट जे अतीत रे आम कौन प्रोग्रेस करगक नहीं कि आम कौन स्वप्न देखुं आपको बजेट कनेक्ट करे किंतु अतीत कथा जो आसे से इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट टी देखा जाए। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आसी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट कहे कौन है समग्र देश में कौन एग्रीकल्चर अर्थात कृषि शिल्प ये सबुर अभिवृद्धि घटी किंतु जेहेतु विश्व स्तर रे गोटे अभूतपूर्व गोटे अदृष्टपूर्व महामारी देखा जाइछि सेटा निश्चित भारत बर्षर अर्थनीति को संपूर्ण भाव में कबलित करी तेनाली आमर नेगेटिव ग्रोथ होती किंतु इकोनॉमिक सर्वे जहाँ रिपोर्ट आसूची से रिपोर्ट रु आम आज प्रेडिक्ट करुचु जे आगामी दिन में भारत बर्षर अर्थनीति 11% अभिवृद्धि घटव जदि आप नोमिनाल ग्रोथ रेट देखिए 15% अभिवृद्धि घटव एवं से हिसाब से देखापी गले समग्र देश में पावर जेनरेशन सेक्टर एवं जीएसटी कलेक्शन रे व्यापक अभिवृद्धि हबो बोली के आशा करा जाय। अर्थात आपण कहबाय चाहौछंती जे आसंता काल रो बजेट बेस समतुल हबो एवं समस्तंकर उन्नति पई अभिवृद्धि पई सरकार गोटे प्रकार बजेट उपस्थापन करिवे आपण आशावादी अछंती। आम सतरे बर्तन जोडी अछंती ज्ञानदेव बेउरा कांग्रेस नेता। सीत बेउरा आपणकर कौन रहिबो प्राथमिक प्रतिक्रिया आसंता काल रो बजेट को नै आपण केते दूर आशावादी अछंती कि गोटे समतुल बजेट हेबो एवं सबु सेक्टर खासकर आर्थिक सेक्टर को विशेष गुरुत्व दि जाइपे कृषि स्वास्थ्य एमएसएमई आपण केते दूर आशावादी अछंती आसंता काल रो बजेट को नै प्राथमिक प्रतिक्रिया तापर आमे आलोचना करबा। कथा होची ओडिशा सरकार जो बजेट डिमांड करिछंती आज्ञा विगत वर्ष मानकर ओडिशा को पैसा आसी छी
केन्द्र सरकार विभिन्न व्यवस्था भितर पैसा दे किंतु भित्तिभूमि विकास कथा जो उठू ता सुदृढ़ हो पार नहीं तार कारण जो मैचिंग ग्रांट विगत वर्ष मानक 90% केन्द्र सरकार दौले 10% राज्य सरकार दौले मैक्सिमम 25% मैचिंग ग्रांट थी कि योजना कमिशन जाकर नीति आयोग है से 60-40 गोटे व्यवस्था करदे तेणु 60-40 एम जी 40% देपारे से 60% पाइबे एथे कि ना तेणु ओडिशा रे अनेक पैसा अनयुटिलाइज मध्य होउची तार कारण मु आपन कहि दउची जे आमे बेले बेले बाहाबा नउचु धरतु रेलवे बजेट काली मध्य आशा करिवु रेलवे बजेट पे 7000 ऊर्ध कोटी टका ओडिशा सरकार मागिचंदी किंतु गत विगत 3-4 वर्ष रे देखुचु जे बजेट उपस्थापन बेले ओडिशा सरकार जेतिकि मागिचंती रेलवे रे ता पाखा पेके आसीचि बा अधिक भी आसीचि किंतु नीलिमा मैडम मु आपन स्पष्ट कर दउची जो बेले आम कहे ओडिशा अतीत में पा ना एवं पाँच भल कथा किंतु देखा यूटिलाइजेशन के गत वर्ष पैसा मात्र 38% यूटिलाइजेशन आगुरी जो 100 टकर 78 टाँग यूटिलाइजेशन हो जाता एवं 100 टकर 38 टकर 39 टाँग यूटिलाइजेशन होलवे बजेट ता मैंने से पैसा मिलबार मूल्य कौन अच्छी तो ना को मात्र पैसा आसला कि स्वीकार कर उपा सरकार बेले जी अनुदान आसूला वर्तमान माने कह गेले भाजपा सरकार समय अनुदान अधिक आसुची बोली जी मु आपन को खाइबा को देली आपन खाइबार शक्ति नाही मु खाइबा द्वार किसी मूल्य नाही किंतु गोटे कथा होची जेते केति खर्च करि परिबे खर्च करिबे राज्य सरकार आपन को जीएसटी रे आमे पैसा रे कमी कमी चली छे जीएसटी ओडिशा सरकार जेतिक पाते आम अतीत पाने कारण हूँ केन्द्रीय अनुदान कमुच एथरक महामारी नहीं तो विभिन्न समस्या आई एटा तो एक्सेप्शनल केस किंतु आम आशा करूँ जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ुची ताकु प्रतिकार करने केन्द्र सरकार निश्चित भाव में भित्तिभूमि विकास दिगरे ध्यान देवे कहीं जो विकास शब्दा कहते ये विकास जेपर्यंत अनएम्प्लॉयमेंट जेनेसन है लोक पाख पैसा आसनी क्रय शक्ति आसनी मार्केट रे बर्तमान जीडीपी ग्रोथ रा कमी जाए अच्छा। क्रय शक्ति लोक ना लिक्विडिटी कैश ना अनएम्प्लॉयड समस्त हो जाती विभिन्न फैक्ट्री बंद हो गला 9 मास धरी विभिन्न भाव में बंद हो गला लॉकडाउन है शटडाउन है विभिन्न कथा तेणु बजार को चलचंचल कले पुणी इकोनॉमिक ग्रोथ हम जो बर्तमान आईएमएफ कही आम 11% अभिवृद्धि करवा 11.5 यही पार्टी आशावादी हवा दरकार कहीं भारत सरकार 5 ट्रिलियन इकोनोमी स्वप्न देखुं तेणु 5 ट्रिलियन इकोनोमी आसवा आवश्यकता अच्छी भारत बर्ष आज एकविंश शताब्दी में भारत बर्ष को अगर पृथ्वीर अगर देश सागर कंपिट कर 137 कोटी लोकसंख्या विशिष्ट एक देश यार जीडीपी ग्रोथ को मिनिमम 8% को ऊर्धक नबार अच्छी किंतु जीडीपी ग्रोथ नकारात्मक भाव रे कमी कमी चलत आपण कहउछदि सरकार के सामने रे अर्थनीति को ट्रैक को फेरा पे बहुत चैलेंज रही छि से चैलेंज को केमिति सम्मुखिन होबे वो सही हिसाब रे बजेट केमिति उपस्थापन हो सेटा हो मुख्य मुख्य विषय ट्रेडिशनल बजेट चाहुनु ट्रेडिशनल बजेट जो अतीत वर्ष मान करे करा जाय छि तार किछ लाभ नै एक विकासोन्मुखी बजेट हवा दरकार एवं केमिति अर्थनीति चलचंचल हो से दृष्टि मध्य चिंता करबा दरकार अछि अच्छा आम सतर सीत सामल रहिछन सीत सामल माने चिराचरित मान जहाँ चली जहाँ सहित बेउरा कहते कि ट्रेडिशनल वे जो बजेट चलता से बजेट तांकर दरकार नहीं बजेट दरकार होती विकासमुखी बजेट एवं खास कर जब आप देखिए कोरोना पर जो भी भाव में देशर अर्थनीति बिगड़ जामी भाव में सुदृढ़ करेंगे और पुणी विकास रास्त केमी ने ट्राक को फेरइबे से निजुक्ति आ गोटे हूँ लोक पकेट को केमी आसो पैसा ये दुटा हूँ मुख्य विषय वस्तु देखते नीलिमा मैडम ज्ञानदेव बाबू कहते से तो जे कंग्रेस वरिष्ठ नेता सी निजे आलोचना छल स्वीकार कले जे पूर्वर युपा सरकार समय ओडिशा को जहाँ अनुदान मिलूला ताठ व्यापक परिमाण अनुदान मिली मोदी सरकार को वन्रे एवं टू दीटा कई देखते सी निजे स्वीकार कले ओडिशा को अनुदान आसुची किंतु ओडिशा रे एठे जो सरकार टी अछि बिजु जनता दल सरकार आम जेहेतु गोटे संघीय व्यवस्था भितर अछंती केन्द्र सरकार व्यापक एवं विस्तृत अनुदान दौंती सहायता दौंती किंतु राज्य सरकार
इच्छा शक्ति उपर निर्भर करे से पैसाटा प्रॉपर यूटिलाइज हबो बा यूटिलाइज न हे कि फेरि जिवो तेनो ज्ञानदेव बाबू कहिले जे एठी जो सरकार अछंती से यूटिलाइज करि परनाती सेथि पई एठिकार सरकार कर जो राजनैतिक इच्छा शक्ति रो व्यापक अभाव अछि सेटा दाई तापर देखन किंतु किंतु राज्य सरकार को पक्ष तो सबोले कह जाउ छी कि केंद्रीय अनुदान कमी जाई छी बोलिका कहि कि आगुर जति के आसुतला जेतो अनुदान कमी छी तेनो कोटना कोटी योजना को भी कान छान करिया को पड़ छी। मैडम क्लारिफाई कर दउ छी अपन को प्रश्न रो उत्तर दर्शक मान को निकट रे देखंतु गोटे कथा स्पष्ट जे रेलबाई रे रेलबाई को प्रचुर परिमाण मिली अनुदान किंतु एठी जमी अधिग्रहण टा स्टेट सब्जेक्ट रे आसे स्टेट लिस्ट रे आसे राज्य सरकार जमी देले केंद्र सरकार जो प्रकल्प करछंती से कार्य त्वरान्वित हो बा अग्रगति हो तेणु एठी वर्ष वर्ष धरी राज्य सरकार कौन करछंती रेल लाइन लगी जमी दे पारती अधिग्रहण करा तो राज्य सरकार कौन हूँ अपरिणामदर्शिता बा इनएफिशिएंसी परिचय दे द्वितीय कथा देखंतु आपण शिक्षा कथा देखंतु शिक्षार कौन हूँ व्यापक परिमाण अनुदान मिलूँ किंतु आपण देखिबे ओडिशार सब स्कूल गुड़ाकर स्टाटिस्टिक्स नेबे केते गुड़े बहुत गुड़े स्कूल ओडिशार अच्छी प्राइमरी स्कूल जोटा कि सिंगल टीचर प्राइमरी स्कूल अर्थात जोटे पांच जन शिक्षक रहा कथा से जड़े शिक्षक रही किसी स्कूल दिज शिक्षक रही किसी स्कूल सर्वाधिक तीन जन शिक्षक रही तेणु एटी केन्द्र सरकार भूमिका कौन आठ तो स्कूल अपॉइंटमेंट कौ टीचर हम बा न कृषि क्षेत्र को आसतु कृषि क्षेत्र में कौन है प्राइम मिनिस्टर किसान योजना अच्छी राज्य सरकार काोजना कले कि राज्य सरकार कौन कले राज्य सरकार गोटे नुआ नियम करदे काोजन जी पैसा पाइब से प्राइम मिनिस्टर किसान योजना पाइबनी कहीं मुझे चाहूँगीशार कृषक भाई मैंने केंद्र सरकार सहायता पातु राज्य सरकार सहायता पातु चली रही है निश्चित आपड़ कौन कि केंद्र सरकार अनुदान दौंती कि राज्य सरकार कहते कि केंद्र सरकार अनुदान कमई कांछाण कर योजना को जो राज्य को बेस भारी पड़ू जो बजेट आकलन से मैंने प्रभावित होमें आलोचना करवा संपर्क में बाद बिवाद प्रति आरोप प्रत्यारोप तो चली रोक कि कथ हूँ मुख्य फोकस रोक कि बजेट केमी हम बजेट रूपरेख कौन रहा खास कर साधारण जनता जो मैंने बिलो 50% रही केते दूर ये बजेट उपकृत हे आम सर आलोचना रही प्रोफेसर अमरेन्द्र दास अर्थनीति विशेषज्ञ प्रोफेसर दास आपको स्वागत करुच्छे आलोचना को प्रोफेसर दास कौन रखिए प्राथमिक प्रतिक्रिया आसंता काल बजेट को नहीं बहुत प्रकार आशा आशंका रही कारण कहुई कि केन्द्र सरकार पक्ष गोटे ऐतिहासिक बजेट हे तेनाली बजेट को नहीं कित दूर आशावादी अच्छा आम पुणे जोजोग करवा प्रोफेसर दास सहित जोजोग हो पारना तेज आम पुणे आलोचना को फेरवा आम सर कांग्रेस नेता भी रही ज्ञानदेव बेहरा तो बेहरा जहाँ आपले कि आपन को दरकार विकासमुखी बजेट नाई तो ट्राडिशनाल बजेट कि तो कथ उठू सी तो बेहरा कि ओडिशा दूर केते दूर फायदा पाइब कहना देखो आम आम आलोचना जिते बड़े भी बजेट को आस सब आयकर स्लाबे ही अटकी जाऊे कि व्यतीत भी मुख्य फोकस कि बर्तमान शिक्षा स्वास्थ्य एम एस एम ई सेक्टर जो रही है बेस गुरुत्व रखुचे ये सेक्टर जब डेभलप हुए हुए तो साधारण जनता जो जीवनशैली रही करोना द्वारा जो भाव में प्रभावित होती से आधु उभरी पारते गोटे कथा कह कोविड्र स्थितर पूर्व स्थित कथा कहूँ ओडिशा रे जो माइग्रेंट लेबर जो मैंने 10 लाख ऊर्ध लोक बाहर काम करूले ओडिशा को फेरी आसिले से मानु कर्मसंस्थान दरकार पड़ुचे से माने जीए 500 टंका बाहर रोजगार करूला तार निजर पेट खाई घर को 200-300 टंका डेली हिसाब से 5-10 हजार टंका दे पारुला सी मध्य तार परिवार तादरे चलुथिले बा मार्केट रे से पैसा फ्लो होतला वर्तमान 9 मास हेलाणी ओडिशा रे से पैसा नाही से माने एठी किछि काम पाउ नहंती एवं ओडिशा सरकार कर सेभली किसी स्थिति नाही तांकु कामेर लगेबे एकमात्र व्यवस्था अछि मनरेगा बहुत समय मु आपन कहू जी 25 वर्ष हेलाणी तंत चलई सेतरे स्किल्ड हेलाणी गुजरात रे सिया सेठी मनरेगा रे माटी काम करि परिबे कि तांगु सेई भुलिया काम एपर्यंत ओडिशा सरकार मिल पारा ना तेणु सरोज बाबू कहते जे आमे दे दौचु मुझे से कथा एकमत हो संख्य संख्या दृष्टि हजार जगार 2000 होगार 5000 मुझे खुशी किंतु
संघीय व्यवस्था रे ओडिशा सरकार संगे केन्द्र सरकार बुझार थिला जे मु 5000 कोटी टा रेल बजेट रे दउची ये 2100 कोटी टा काही खर्च करचोंदी काही 2900 कोटी टा खर्च होई पारु नाही सिंहभाग खर्च होई पारु नाही पैसा अनयुटिलाइज काही की रहउची से बजेट रो मूल्य कोन से बजेट रो किछि मूल्य नाही मु टंका देली खल बाहाबा नेली मु टंका देली सिए खर्च करि पारलेने ये जो कादुओ फोपडा रे इथरे ओडिसा रो परिवर्तन हेई पारिबो नाही विकास हेई पारिबो नाही एथरे दीटा जंक सरकार उभय राज्य एवं केन्द्र संघीय व्यवस्था रे केते हला दर गोटे छोटिया कथा कहूँ जे आमर खोर्धा बलांगीर रेलपथ एथरे जेतिके पैसा आसी जेतिके लैंड एक्विजिशन हबा कथा वर्ष को जेतिके टेंडर है कि सेतिके पैसा यूटिलाइजेशन हबा कथा तार 25% मध्ये हो पार ना कि बारंबार तादरे 5 वर्ष रानी कंटिन्यूअस पैसा आसुची असुविधा कोड रहुची ताले सित बेवरा किंतु राज्य सरकार तो सब बेले को डिनाई करि चालछन कि राज्य सरकार सहयोग रहत बढौछन व्यवस्था रे पैसा मागुचंती जोटा को राज्य सरकार खर्च करी पारिबे इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था रे नीलिमा बुझंतु इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था को थरे सजाड़िले से वर्ष वर्ष धरिकिरी ये समाज रो मंगल करी चालिबो विकास करी चालिबो किंतु आमे जो व्यवस्था रे तत्क्षणात लाभ चाहूचे जे तत्क्षणात लाभ जो थ्रु आम केवल निर्वाचन फायदा उठेबू यही कथा रे तो आम मन सीमाबद्ध रही जाउची सेथिरे इंफ्रास्ट्रक्चर उन्नति हो पार ना सेथिरे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आम करें सल्व केमिति करवा तेणु आम आप देखते एमएसएमई ओडिशा रे भारी शिल्पर कथा उठू केते भारी शिल्प आ भितर है 20 वर्ष भितर आपण जातु कलिंगनगर बर्तमान गोटे दुईटा प्लांट को छाड़ी आज समस्त बंद हो जाते तेणु जो मैंने से अंचल काम करते लक्षाधिक लोक बर्तमान कौन है जीवन जीविका लाइफहुड बंद हो गला तेणु बर्तमान एमएसएमई सेक्टर एकमात्र सेक्टर जोटा कि छोट मध्यम धरण शिल्प को उठेबा दरकार से केन्द्र सरकार कोविड परवर्त बहुत पैकेज घोषणा कले कि प्राक्टिकाली से पैकेज लाभ हो पार नहीं कहीं ना बैंक मैंने से पैसा दे पारे कारण जो मर्गेज व्यवस्था नहीं बोली कहते से बैंक मैंने असुरक्षित मन कर एनपीए बढ़िवार बहुत संभावना अच्छे तेणु बास्तव कथा तलु कहीं जाऊना खाली आम राजनीतिक कादु फिंगा कले नीलिमा आधे कहार विकास हो पार अर्थात योजना परे योजना होची किंतु योजना को ठीक भाव रे समन्वय रखी एवं हिताधिकारी को पाखरे से योजना पहुंचे पहुंचीबा एवं पहुंचुची कि नहीं ताको मॉनिटरिंग करबा एटा होची सबुट बड़ माने प्रमुख प्रसंग सेत बे आपन से आलोचना करबे किंतु आम से पुनि थरे जोड़ी छंती अर्थनीति विशेषज्ञ प्रोफेसर अमरेंद्र दास सेत दास कोन कहबे आसंदा कालर बजेट कोनी आपन प्राथमिक प्रतिक्रिया कोन रे आपन कोन लागुची अर्थनीति को ट्रैक को फेरया पई निर्मला सीतारमण को जो भानुमति पेढ़ी तादरे किछि मैजिक देखा मिल कि ठीक अच्छे आम पुणि थे जोजोग करवा प्रोफेसर अमरेन्द्र दास सहित कौन से प्रकार टेक्निकल प्रॉब्लम रोचे जो आम जोजोग कर पार्न कितना आम सहित रही बीजेपी नेता सरोज सामल रही तो सामल आम जहाँ आलोचना करते कि योजना अनेक भाव प्रणयन हो योजना को किभली भाव में लोकों पाखे ठीक समन्वय रखी पहुँची पार लोक तादी फायदा उठे पारे से प्रथम प्रसंग और द्वितीय कथ आप भी जानापी चाहिए कि देखो कोरोना समय केन्द्र सरकार साधारण लोकों पर जो दुस्थितर से शिकार होते अंटा सड़क छिड़ावाई अनेक घोषणा करते कथा उठे सब प्रकार जो स्वतंत्र बजेट 20,000 कोटी टकर जो स्वतंत्र बजेट केन्द्र सरकार उपस्थापन करते अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जो जहाँ सूचना देते तो पैसा से पड़ जाइए टाँचा से खर्च हो जाए तो केन्द्र सरकार के पक्ष टा कौट आसूँ जो बजेट रूपरेख गोटे ऐतिहासिक बजेट हम बोले आम आशा करवा देखो लेडीमा मैडम प्रथम तो मुझे कहूँ कोविड समय कौन है केन्द्र सरकार गोटे बहुत बड़ पैकेज होता आत्मनिर्भर मिनि बजेट आपरेंगे आत्मनिर्भर भारत जो थे कि 5 लक्ष कोटी टंका गोटे सूची प्रस्तुत कराई ता बाद भी 20,000 कोटी टंका जोटा आसी एमएसएमई सेक्टर कथा कहते तेना देखु जदि आज भारत बर्षर अर्थनीति देखिए एम्प्लॉयमेंट सेक्टर देखिए जे कौन हूँ देश में अधिकांश लोक हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड आत्मनिजुक्ति पाई तेना से हिसाब से देखापी गले एमएसएमई सेक्टर बहुत बड़ भूमिका अच्छी जे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जेनरेट करने जो थे कि फंडिंग मिल जो थे फाइनेंस मिल द्वितीय कथा आपत देखु आत्मनिर्भर भारत कथा जो उठू
ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ତେଣୁ ଲୋକ ଆଉ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବେନି, ନିଜେ ସ୍କିଲ୍ଡ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ବି ସେଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ତାଙ୍କର ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ପଳେଇ ଆସିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ବି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇପାରିବ। ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ସେଟା ତ ମୋଠାରୁ ଆପଣ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଲି କଥାରେ କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ତା ଦେହରେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ତ ନା? ଆମେ ଖାଲି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଅଛି। ଯେଉଁ ଆମେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ଯେ ଅଥରିଟି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅଥରିଟି ନୁହନ୍ତି, ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍, କୋଭିଡ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଭିତ୍ତିଭୂମି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ହେଉ ବା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟେ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ମିଟ୍ କରେ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ ହୁଏ। ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଯେତେବେଳେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଦାରିଦ୍ର ହଟିଯାଏ। ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଯେତେବେଳେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ସେତିକି ବେଳେ ବି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ହିସାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୁଁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶାବାଦୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ 2021-22 ବର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ରର ବଜେଟ୍ ଆସୁଛି, ସେ ବଜେଟ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆହେବ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କୃଷି କଥା କହୁଛି, କୃଷି ବି ଯେହେତୁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ, ସେ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କୃଷି ଉପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେବେ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବେ। କୃଷି ଆଉ କୃଷକଙ୍କ କଥା ଯେଉଁଠି ଆସୁଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାର ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ କି ବଜେଟ୍ରେ କୃଷିକୁ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଉଛି, ସରକାର ଆଦୌ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ କୃଷିକୁ ନେଇକି ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାହେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି କୃଷି ଆଇନ 2020କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କୃଷି ଆଇନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଛି ଯେ ଏ ଦେଶର କୃଷକ ଭାଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜୀବନଦାତା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣଦାତା ଏବଂ ଦେଶର ଅର୍ଣ୍ଣଦାତା। ତେଣୁ କୃଷି ଆଇନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାହେଇଛି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନଦାତା, ପ୍ରାଣଦାତା ଏବଂ ଅର୍ଣ୍ଣଦାତା, ସେ କରଦାତା ହେବେନି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି, ଏଥିରେ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି କି ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ ବୋଲି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏଠି କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେ MSP ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଫିକ୍ସ କରାହେଲା, ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକରେ ଧାନ କେମିତି କଲେକ୍ଟ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କୁପନ୍ ଦିଆହେଉଛି। ସେଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଦାୟିତ୍ୱଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଣ୍ଡି ଚାଲିପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ସେଠି କ'ଣ ଯେଉଁ କଟନୀ ଛଟନି ଚାଲିଛି, ଧରନ୍ତୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ମିଳି ଚାଷୀ ଦେଲା, ତାକୁ 10 କେଜି କାଟି ଦିଆହେଉଛି। ଏଠାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟାପକ ଭୁଲ କଲା ପରେ ଏବଂ ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନ ଚାଲିଲା ପରେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିବେ ଏଥିରେ ଆମର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଆଠୁ ବଡ଼ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା କ'ଣ ଅଛି? ତାପରେ ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ଯେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇନପୁଟ୍ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କାଳିଆ, ଦୁଇଟାଙ୍କ ଲାଗି ତ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେନିଫିଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେନିଫିଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ବଜେଟ୍ରେ କୃଷିକୁ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସୀତ ବେଉରା ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ତ ବେଉରା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଜନା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଜି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା କି ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି କି ରେଳବାଇର ବିକାଶ ଲାଗି 7200 କୋଟି ଏବଂ ଟେଲିଫୋନ୍ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଅନଗ୍ରସର ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେଠି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପାଇଁ 5650 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ 90 ଏବଂ 10 ରେସିଓରେ ହିଁ ଅନୁଦାନ ଆସୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ଗାଉଁଲି କଥା ଅଛି, ଶାଶୁ ସତୀ ବୋହୁ ସତୀ ପାନ ବିଡ଼ା ଯାଏ ଗମ୍ଭୀର କତି। ଶାଶୁ କହେ ମୁଁ ପାନ ଖାଉନି, ବୋହୁ କହୁଛି ମୁଁ ପାନ ଖାଉନି, କିନ୍ତୁ ପାନ ଡାଲା ଅନ୍ୟ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଲୁଚି ଯାଉଛି। ଏଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏକଦମ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉନି, ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ସରୋଜ ଭାଇ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, 6 ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ପରେ ପୁଣି 7ମ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ହେବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଛୁ ପୂର୍ବୋଦୟରୁ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟୋଦୟ। ପୂର୍ବୋଦୟରେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି,
किंतु ओडिशार भाग्योदय कोउ दिन हम मु जानिनि आउ काली परे आउ तीनोटी बजेट तांग करिवा पई सुजोग मिलिबो दुईटा बजेट संपूर्ण मिलिबो आउ गोटे बजेट बळकु इलेक्शन आ जाइथिबो एटा इलेक्शन बजेट हे जइबो आज पर्यंत कौन इंफ्रास्ट्रक्चर केन्द्र सरकार तांग योजना रे कले ओडिशार भाग्य बदलिया पई ओडिशा सरकार तो ठगी चालिचंदी 21 वर्ष हलाणी 35% जलसेचन करिवे एपर्यंत गोटे ब्लक रे मध्य 35% जलसेचन करि पाले नाही इंद्र उपर निर्भर करी लोक चासी करूची एबे सुधा जो सरोज भाई कहते मंडी कथा मंडीर जा अवस्था न कहवा भल किंतु अपरपक्ष किछ दिन तले संबलपुर आंदोलन है आरडीसीएफसी घेरौ है आमर मान्यवर सांसद माने थाना रे राति सारा उजागर रहिले डेडलाइन देले 72 घंटार समस्या मुझे कोटा मन पकई दौर कौन आज पर्यंत समस्या समाधान है काली देखु दी दिन जो अदिनिया वर्षा है पखापाखी 15 लक्ष टन धान केमती फाटिकी बस आपण गणमाम देखिए ये एपर्तंत कौ मंडी में इनफ्रास्ट्रक्चर रे खर्च है मंडी में सेड या लोक कहीं पार ना कहीं आज लोकं धान उठे पारुनी मुझे से कथा कही विभिन्न जगार एक किसी दिन तले जो सांसद माने बरगढ़ भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट सदस्य अच्छा मानवर सांसद सुरेश पुजारी पूर्वतन राज्य सभापति सेठी ज्वेल जी ओराम अच्छा पूर्वतन मंत्री सेठी नीतीश गंगदेव अच्छा सेठी बलांगीर सिंह सभापति जिलापाल उपजिलापाल कार्यालय भी घेरा कि कथ हूँ बेहरा से प्रसंग कि बीजेपी तक मुद्दा कर ओल्ला कि कथ उठी ओडिशा जो दाबी रखी योजना समन्वय मंत्री जो दाबी रखी दाबी को बाद जी टा से दाबी करलवाई इंटरनेट टेलीजोगाजोग युवाई तो आपंती देखुं से डिमांड भी कर 90-10 अनुपात ही मानने अनुदान आसवा दरकार सरकार 40% दे पारुनी अनेक प्रोजेक्ट हो पारना यहाँ स्पष्ट 40% जो मैचिंग ग्रांट ये 40% देले सी 60% देवे तेणु तर भावना धरतु प्रधानमंत्री आवास योजना काली कथा उठू पुणी 15 लक्ष घर दे पारती मान्यवर अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीताराजन किंतु जो 15 लक्ष घर देवे तार जो 40% मैचिंग ग्रांट जो राज्य सरकार नदे पारे जो कथा मान्यवर प्रधानमंत्री कहते 22 मसीहा सुधा कौन सी लोकर मुंड उपरे चाळघर रहिबो नाही समस्ते पक्का घरे रहिबे सुरक्षित रहिबे एटा केमती संभव हबो मते टिके सरोज भाई बुझांतु निश्चय भाव आमे से प्रतिक्रिया नबा सहित सामल आम साथ जोड़ अर्थनीति विशेषज्ञ अमरेन्द्र दास तो दास आप बहुत समय जोगाजोग करने चेष्टा कर देखो बाद विवाद क्रिया प्रतिक्रिया तो चली रही है राजनैतिक दल तो निश्चित भाव में पक्ष रखे कि कथ हूँ अर्थनीति विश्राद हिसाब से आपड़ केमी देखुं आसंता काल बजेट को आमर प्रधानमंत्री लॉकडाउन समय जो जो योजना गुड़ाक घोषणा करते से गुड़ा केमी अधिक रु अधिक अर्थ आसव आई जो योजना गुड़ाक केमी अधिक मजबूत करहब मुझे आशा रखी तो से अति गुरुत्वपूर्ण है स्वास्थ्य कथा आमर स्वास्थ्य को स्वास्थ्य व्यवस्था को सारा देश में आम के अधिक मजबूत करमतीका आमर जो प्रवासी श्रमिक मान अवस्था आम देखी केमी प्रवासी श्रमिक मैंने बहुत हैरान होते समय तेणुक प्रवासी श्रमिक जो योजना घोषणा कर प्रत्येक सहर में आम देखा जे गृह निर्माण कर प्रवासी श्रमिक मैंने जो अगर सहर को जब अति सहजे से घर रही पारे जो गोटे देश गोटे रेशन कार्ड व्यवस्था घोषणा करमें सुदृढ़ करहब ता सहित है आमर जो आत्मनिर्भर भारत जो योजना सब घोषणा कर केमी क्षुद्र आध्यम जो वर्ग जो शिल्प अच्छी से गुडा देखा अधिक घोषणा तो होता ही तो हूँ प्रसंग कि घोषणा तो होती कार्यकारी एपर्त के जेहेतु प्राय मिनि बजेट वन कैंड अफ था जो भाव में केन्द्र सरकार घोषणा करते कि समय पूर्व मुझे जहाँ कहती करोना काल में लोकं कि भाव में आर्थिक सहायता दि जाइए जो व्यवस्था कराई टंका हुई तो से बहुत मात्रा से जगह इनभेस्ट हो जाए तेणु आसंता काल बजेट सरकार पाखे एत टा कौ आस जो सब क्षेत्र को गुरुत्व दे बजेट उपस्थापन हो नहीं सेटा जो आपचे जो मिनि बजेट घोषणा कर प्रकृत से सतकथा नुहे कारण जो आम जो देखा जो 26 लक्ष कोटी टंका जो बजेट घोषणा करोड़ 20,000 कोटी टंका कहले एक्स्ट्रा बजेट ना
କାରଣ ରାଜ୍ୟ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ଆସିବ କୁଆଡୁ, ମାନେ 26 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ 20 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଟା 46 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉଟା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ମୁଁ କହିବି ଯେ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଆଗ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ इंटरनेट सुविधा डिमांड कर देखते शिक्षा स्वास्थ्य एवं कृषि क्षेत्र में एमएससी एमएस सेक्टर में डिमांड कर 90-10 मानते अनुपात में अनुदान आसु को फायदा मिले भावुंत खास कर अबे अपर क्लास देखिबे नि लोअर क्लास पीपल माने सब माने जो माने बिलो 50% अछन्ते से मानकर डेवलपमेंट कोन हबो से मानको पई आमे कोन आशा करबा कि बजेट रे किछि स्पेशल ही आसीबो बोली पे आमे जदि देखु जे केंद्र सरकार माने एतो कोन हे जे आमे देखा जो चतुर्थ अर्थ आयोग को थारु आमे देखु जे सेथरे राज्य सरकार माने साधारणत दाबी करिछन्ते जे आमको अनकंडीशनल ट्रांसफर आसु माने जो शेयर इन टैक्सेस अधिक रु अधिक पैसा आसू जहाँ फल राज्य मैंने इच्छा मुताबक खर्च करेंगे जहाँ फिर आम देखे चतुर्दश अर्थ आयोग 42% ट्रांसफर कले आसा जो गोटे प्रतिशत कमी पंचम अर्थ आयोग 41% तेनाली कौन हो बर्तमान केन्द्र सरकार पाखे भी कम पैसा आसने आम राज्य सरकार मानक अधिक पैसा ट्रांसफर कर राज्य सरकार मानने निज इच्छा मुताबक योजना करेंगे तेनालीप्रेक्षी में आम जो देखा जे केन्द्र सरकार आज जो आपंट 90-10 कि कह 50-50 तो से आम देखुचे बर्तमान कमी जाए राज्य मैंने सब चाहूंज आमको अधिक प्राधान्यता दि जाऊ तो तेणुक येक्षी तथा आम देखा जे केन्द्र सरकार राज्य मानी कौन करेंगे ताले मुझे कहि जे जो आम केंद्र सरकार आत्मनिर्भर योजना माध्यम जो कहते जो क्लस्टर अप्रोच फॉलो करें जो बैकवर्ड रीजन गुड़ाक आम देखुचे जे एमएससीएमई हूँ जो एग्रीकल्चर क्लस्टर हो तो से गुडाक जो घोषणा करमी से योजना को गुड को आम केम गतिशील करर्थ बराद करा भल हम तासे तो मुझे कहि जे स्वास्थ्य क्षेत्र में आमको धरा जो आम गोटे एम्स अच्छी सेमतीका आम आहुरी जदि एम्स कथा आसपर मुझे कहि जे आम जदि उत्तर ओडिशा रे जदि किछि गोटे एम्स भलिया नुआ अनुष्ठान आसपर आमर जो जिला स्तरीय जो आम हस्पिटाल गुडाक अच्छी केम तार सुदृढ़ीकरण करहब तो ता विषय में गुरुत्व जदि माने देई परिवा ताहले मध्ये भल हबो। दास आसतरे नियुक्तिटा भी गोटे बड़ प्रसंग नियुक्ति उपरे भी समस्त नजर रही कि केमिति नियुक्ति हबो एवं गरीब लोकर पॉकेट को टंका आसीबो सेथिपई कोन योजना करा जइबो बा करा जाइछि बोली आपण भाबुचोति कि नै भित्तिभूमि रो डेवलपमेंट सहित नियुक्ति एवं साधारण जनता बा गरीब लोक केमिति रोजगार क्षम होई परिबो सेथिपई बजेट रे किछि स्वतंत्र भाबरे उपस्थापन करा जइबार संभावना रहिछि कि आशा करवा जदि आम सब जुक्ति करे ग्रामांचल मनरेगा मध्यम निजुक्ति दबा तो मुझे कह मनरेगा मध्यम निजुक्ति दबाटा सब अंचल काम हो कारण आम देखुचे जो गुड़ाक विकसित अंचल ग्रामांचल भी विकसित हो सारा युवक मैंने भी पाठ पढ़ी किसी पाखे बर्तमान मानने अच्छी स्किल अच्छी तेणुक से मानने जो स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट केमी हम ग्रामांचल मुझे कहते हैं क्लस्टर अप्रोच कथा जो प्रत्येक पंचायत स्तर में आम जो गोटे गोटे क्लस्टर अप्रोच गोटे गोटे नुआ मानने पंचायत रूराल इंडस्ट्रियलाइजेशन कथा भाई एम्प्लॉयमेंट हाँ पुराणा आम कह मनरेगा मध्यम दबा मुझे बुझुची बैकवर्ड रीजन में मनरेगा काम करुची किंतु जोड़ा कोस्टल बेल्ट आप देखिए कहीं भी श्रमिक काम करने इच्छुक नाई अंचल आम जो निजुक्त कथा देखा ताहले आमको नुआ भाव में देखा पड़ा जो स्किल डेवलपमेंट मिशन करा करता जातीय स्तर हो कि राज्य स्तर हो तो से जो मैंने निज मानने स्किल पाइक आसुचान ग्रामांचल केमी निजुक्ति देखे मुझे से कह पंचायत स्तर में प्रत्येक पंचायत में गोटे 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 क्लस्टर अप्रोच कराऊ एंटरप्राइज जहाँफल कि आम ग्रामांचल जो मैंने सब शिक्षित अच्छा किसी किसी स्किल अच्छी से मैंने से निश्चित भाव में निजुक्ति पाई तो ये केन्द्र सरकार आरंभ करूँ बा राज्य सरकार आरंभ करूँ पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँ किंतु जो चाइना कथा आम कह चाइना आज जो स्वावलंबी होखे जो एते सब एक्सपोर्ट से विदेश को करूँ तार कारण है विलेज एंटरप्राइज को बहुत स्ट्रेंथन करम देश में आम राज्य जब आम आत्मनिर्भर भारत कथा कहूचे तो आम सीरीयसली कथा नहीं कही
माने आमे केवल आमे केवल ताको ग्राफिक्स रे रखि दै छै माने आमे आमे केवल ताको माने गोटे गोटे प्रकार आकलन करि रखि दै छै ताको किंतु वास्तवत रे केमिति परिणत करा जइबो केमिति ताको यूटिलाइज करा जइबो से बिषय रे होइ तमे केबी चिंता करने तो सामल कोन रखि प्रतिक्रिया देखंतु ता सहित राज्य सरकार भी डिमांड करछन आपन कहि दै छै कि प्रति पंचायत रे बैंक शाखा खोलिबा पानीय जल माने प्रति घर को पाइप जोगे पानीय जल जोगान ता सहित जातीय राजपथर निर्माण एवं तार रक्षणाबेक्षण ता पई मते अनुदान पई मते डिमांड करछन राज्य सरकार देखंतु मैडम एठी अति स्पष्ट भाव में कहीदेप चाहूँगी जे राज्य सरकार बहुत डिमांड करु तो कहली आगुरी जो परिमाण में पैसा आसी केन्द्र तरफ रु से पैसार प्रपर यूटिलाइजेशन हो पारना उपयोग हो पारना से फेरी जाऊँगी जनापड़ी राज्य सरकार योजनार कार्यान्वयन ठीक भाव कर पारिना द्वितीय कथा जो कहते आत्मनिर्भर भारत को लेकिन खाली केन्द्र सरकार केवल घोषणानामा भितर या सीमित कार्यान्वयन ना ये पॉइंट्रे मुत ग्रेसफुली डिसएग्री हो केन्द्र सरकार आत्मनिर्भर भारत जहाँ करार कथा तार कार्यान्वयन को लेकिन ताकत से तो आसूसी स्किल डेवलपमेंट कथा स्किल डेवलपमेंट लगी सब प्रकार स्टेप केन्द्र सरकार नहीं किंतु मोर कहया कथा समग्र देश में तो गोटे दलर शासन चलनी विभिन्न दलर लोक विभिन्न दलर सरकार अच्छी तेणु कौन हो केन्द्र सरकार सब प्रकार इच्छा शक्ति प्रकाश कर सहायता राशि जोगे दौरान राज्य सरकार गुड़ी किंतु राज्य सरकार जदि खर्च न करू आधिका डिमांड करेंगे यह तो स्पष्ट भाव में प्रमाण कैसे राज्य सरकार खाली केन्द्र प्रति अंगुली निर्देश करुँ आपल अंगुली निर्देश करेंगे जितेबले ओडिशा सरकार केन्द्र द्वारा दि जाइया सब पैसार पैसार सदुपयोग करें केन्द्र को पैसा फेरबानी आम जाना ओडिशा सरकार व्यापक कौन इच्छा शक्ति अच्छी सब कार्यान्वयन हो जाए से जहाँ डिमांड करफाए करवा आपन निजे कहते कौन है बलांगीर रेलवे प्रोजेक्ट जोटा भुवनेश्वर बलांगीर रेलवे प्रोजेक्ट केते वर्ष हाँ सरी खोर्धा बलांगीर रेलवे प्रोजेक्ट केते वर्ष है से एक प्रकल्प से पड़ी रही कहीं कौन मुख्य समस्या कौन मुख्य समस्या हूँ जमी अधिग्रहण जमी अधिग्रहण राज्य सरकार कर दायित्व द्वितीय कथा मुझे कहती देखु जे ओडिशार चाषी से दुटा जगह पातु केन्द्र सरकार योजना सामिल हूँ राज्य सरकार योजना सामिल हूँ से ओडिशा सरकार आडमिट करना तृतीय कथ आप देखु गोटे हेल्थ इन्सुरांस स्कीम अच्छी आयुष्मान योजना आयुष्मान योजना जदि केन्द्र सरकार सब केन्द्र सरकार जहाँ डिक्लारेसन अच्छी से ओडिशार लोक मैंने बेनिफिटेड है क्षति कौन किंतु ओडिशा सरकार एक्सेप्ट करना ये सब दृष्टि देखापी गले केवल राज्य सरकार केन्द्र सरकार को प्रति अंगुली निर्देश करुछंती केन्द्र सरकार जो गुड़ी अन्य राज्य कार्यान्वयन करिसंती जेहेतु आउ गोटे दल सरकार अच्छी से कार्यान्वयन साधारण लोक ये सब जिन बुझे आम केवल योजना विषय आलोचना करे कि साधारण लोक ये सब जिन बुझे साधारण लोक बुझुच्ची ता पॉकेट को केमती टंका आसिबो ता परिवार केमती माने स्वच्छलतार सहित चलिबो ता पिला माने केमती भल शिक्षा पाई परिबे तांको उत्तम स्वास्थ्य सेवा केमती मिलिबो साधारण लोक एहा ही चाहे ता गांको पक्का रास्ता टे थी पाखे पानी जल सुविधा थी तेनाली साधारण लोक यहाँ ही चाहते साधारण लोक बुझानी आपड़ केते कोटी टंकार बजेट कले आपड़ केते कोटी टंका कौन को सेक्टर को कौन देते रेलगाड़ी केतटा चलला यह सब जिन को बुझानी एम मिनिमम जिन चाहते तेनाली मिनिमम जोटा आम फोकस करुचे कि बिलो 50% लोकों पर सरकार कौन योजना करेंगे कारण देखते कोरोना जो भी भाव में आफेक्टेड होती लोक लोकों आर्थिक अभिवृद्धि बेस गुरुत्व रखुच्छे निश्चित भाव मैडम देखते मुझे तो सही कथा ही कहूँ जे केन्द्र सरकार तरफ से सबुठ बड़ योजना आसीबो बोले कि मु आशावादी होची जोटा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भित्तिभूमि विकास एवं अग्रगति सेटा ही कालीर बजेट हम बोले कि मु आशावादी अच्छी जितेबाला भित्तिभूमि विकास हम से ग्रामांचल रोथिया लोकर कौन हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट हम से कौन हम दारिद्र सीमारेख तले तले लोकर दारिद्र हटिजी द्वितीय कथा आप देखु जितेबाला हेल्थ निश्चित भाव कोविड जो टीका दि जाऊँगी कौन हो फास्ट कथा कोविड्र जो भय अच्छी टीकाकरण माध्यम रे से भयटा को दूरे देले लोक मानकर कौन हम जे लोक माने एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट रे निजुके एंगेजमेंट करि परिबे कारण घरे बसिके रहिछंती सेति पई तो केन्द्र सरकार को तरफ रु कौन हैछे टीका दान लागि व्यापक व्यवस्था ग्रहण कराइछि एवं सब सब राज्य को टीका पठाई दिया हैछि सेटा होछि सबटु बड़ चैलेंज तृतीय कथा आपण देखंतु स्कूल आपण जे शिक्षा कथा देखिबे मु त कहिली विथ डाटा मु कहिली ओडिसा रो विभिन्न स्कूल ले गोटिए बा दुइटी बा अति बेसी रे तीनोटी
शिक्षक अच्छा कि प्राइमरी स्कूल कहले प्रथम श्रेणी पाखु पंचम श्रेणी पर्यंत स्कूल अच्छी तेणु जो तीन आट बेस्ट तीन जन शिक्षक केमी स्कूल चलो से ओडिशा सरकार निश्चित भाव आप सहित एग्री हो केन्द्र सरकार गोटे बड़ भूमिका अच्छी केन्द्र सरकार से भूमिका निभाशा राज्य सरकार जहाँ भूमिका अच्छी सी जदि लिभेबे तेल केन्द्र और राज्य उभयर सहायतार ही कौन हम उभयर इच्छा शक्ति ही ओडिशार व्यापक अर्थनैतिक अभिवृद्धि घटिबो समन्वय अभाव रहुछि कि योजना हेउछि भित्तिभूमिर विकास पई मते अनुदान आसुछि किंतु समन्वय अभाव रु तार कोनसी प्रकार फायदा पाई पनाती साधारण जनता जो कथा सरोज भाई कहउछन्ति बारंबार भित्तिभूमिर विकास मु बारंबार कहउछि जे ओडिसार जने योग्यतम व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी अग्रणी नेता मध्य केन्द्र सरकार रे पेट्रोलियम मंत्री अछन्ति सी मध्य विभिन्न समय रे विगत छ वर्ष भितर सात वर्ष तक चलला से विभिन्न कथा कही केतबेले चंडीखोल पाखरे पेट्रोलियम हब हबो पेट्रोल स्टोरेज हबो केतबेले धामरा पाखरे प्लास्टिक पार्क हबो ये कथा हमें सुनुछु से तो बेउर हमें व्यक्तिगत मत को कहि जिबा हमें व्यक्तिगत मत को जिबा रे हमें ओवरऑल आलोचना करबा से तो समय मु गोटे दिन से खाली कह दउ छी हमें बजेट ऊपर आलोचना करबा ओडिसा को केते फायदा मिलबो मु एटे को या पे चाहू छी जेतु राज्य सरकार सब बेले कहउ छंती कि केन्द्र रो अनुदान कम आसु छी योजना कांचांट हे छी जति पई माने बेयो बोझो पड़ छी राज्य सरकार को ऊपर किंतु अन्य पर जति देखिबा जो योजना रे जो अर्थ आसु छी से अर्थ फेरी जाउ छी राज्य सरकार खर्च करि पानाती तने जो भित्ति भूमि पर फोकस करा जइबो बोली जहां आशा करै छी आसंता काल बजेट को आपन कोन लछी समन्वयर कोटने कोटे अभाव रही जाउ छी कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार अन्य सब बेले समन्वय रक्षा करूछनि राज्यसभा को किए जितिबे कोन करिवे एक कथा राज्य सरकार करछनि किंतु ए बेलु काई समन्वय रहुनि राज्य केन्द्र अधिकारी माने बसिकरी ए वर्ष केते जमी अधिग्रहण हेइ पारिबो केते पैसा देले खर्च हेइ पारिबो 100% केमि युटिलाइजेशन हेइ पारिबो से विषय चिंता करबार आवश्यकता अछि एवं को काम कले ओडिशा रे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो पार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पार एग्रीकल्चर ग्रोथ हो पार इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप हो पार स्कूल डेवलपमेंट कर पार ये समस्त कथा चिंता करबा दरकार अछि किंतु केंद्र सरकार जहां भी कले तो कांग्रेस को सब बेले विरोध करि आसु छी जहां हमें देखिया को मिलिछे कांग्रेस रो सब बेले कंप्लेन रहि छी कि केंद्र सरकार किछि करू ना मो कथा बुझंतु केवल काम न करिकिरि कथा कहिले हमें जो कथा वर्तमान जन अर्थनीतिज्ञ कहउथले जे कोविड समय रे गोटा लंबा बजेट मिनी बजेट टाइप रो करा गला किंतु बजेट रे एलोकेशन थिला कि जिते नुआ पुणा बजेट्र व्यवस्था को केवल रिप्लिकेसन कराला चारिदिन धरिकी मानवर अर्थमंत्री और एमओएसएम मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स यहाँ को सी इंग्लीश से हिंदी में पढ़िले ओडिशार कथा नुह भारतवर्षर एक तो गोटा सृष्टि जो गोटा बोधे आउ कौट आसला प्रकृत केन्द्र सरकार पाखे से अर्थ ना समस्त अर्थनीतिज्ञ मैंने कहले संभव नुहे तेणु आज है आम आशा करूँ जहाँ डिक्लारेसन कर बजेट्रे रिफ्लेक्ट करंतु आसंता काली एवं भारतवर्षर डेवलपमेंट हो ओडिशा कथा मध्य कहुचे ओडिशा एते असुविधा रे अछि ओडिशा रे माइग्रेंट लेबर संख्या दिनु दिन बढ़ुची कृषिपति लोक दिनु दिन विमुख होउचंती सरोज भाई सेठी बसचंती आपण कहउचंती जे आमे कृषक मानक पई प्रधानमंत्री को आर्थिक सहयोग योजना रे 6000 टका वर्ष को देलु तीनटा किस्त रे 2000 टका देलु पीएम किसान से मध्य कहउचंती पीएम किसान योजना रे कालिया योजना रे 10000 दौले कमी बर्तन 4000 करछन्ती दुखर कथा होउची कृषक जत उत्पादन करुची आमे कहूँ बम्पर क्रॉप्स हेगला आमे कहूँ बम्पर क्रॉप्स हेगला कहीं मुझे आपको गोटे कथा मन पकई दौर एक क्षेत्र में क्या माने पर्टिकुलाइज करा चाहूनी क्या आक्षेप करा चाहूनी जिते ओडिशा एथरक 82 लाख मेट्रिक टन धान किणा हबार व्यवस्था होबे सुधा चाषीर धान पड़ रही से बिक्री कर पारुनी चाषी जदि प्रडक्ट कर बिक्री करें चाष कहीं करते सहायता दे तार मूल्य कौन अच्छे जदि कोल्ड स्टोरेज ना से पर करम कर रक्षण करिस्ट्रेस ट्रेलर सामना कराया पड़ो तेणु ये कथार उभय राज्य केन्द्र सरकार एवं केन्द्र सरकार बड़ दायित्व हूँ राज्य सरकार केन्द्र सरकार कर दरकार राजनीति कथा न उठिकी साधारण लोकर केमी मंगल हम आपड़ जो क्या कहते साधारण गरीब जनता केमी आज मंगल हम ता हाथ केमती पैसा जीव सी केमती सर्वनिम्न 8 घंटा काम पाइब तार जो
फसल से उत्पादन करिवो चासी जो उत्पादन करिवो ताको विपणन करा जाई परिवो तो बिल्कुल आ भितरे अर्थनीति विशारद कोन कहिबे आमे सते रहिछंती अमरेंद्र दास रहिछंती प्रोफेसर दास आपण कोन कहिबे देखंतु आमे अनेक विषय आलोचना करूछे कि कोन हेइथिला केते योजना हेइथिला केते योजना रो केते दूर सफल रूपायन हेइछि ना नै टंका आसुछि फेरि जाउछि खर्चै पानी इत्यादि इत्यादि आमे कथा होछे त कथा उठुछि किंतु कोरोना भलि जो स्थिति जदि आपण देखि 2020 रे जोबलि बापरे आर्थिक व्यवस्था दोहली जाइछि एबो किछि मात्र मते ट्रैक को फेललनि आपण जदि अर्थनैतिक जी रही मुख्य परामर्शदाता जीडीपी ग्रोथ हमार आशंका मानते आशा करा कौट ना कौटे डेवलपमेंट मानते होते नजर को आसला तो आज जब पर्टिकुलरली गोटे गोटे कथ कह शिक्षा स्वास्थ्य एमएसएमई सेक्टर कृषि और निजुक्ति सुजोग क्षेत्र में आपते दूर आशावादी अच्छा आसंता काल बजेट को नहीं खास कर जो मैंने पॉवर्टी लाइन भितर रही गरीब लोक रही कारण देखते अपर 30% लोक तो फायदा पाई जो मैंने पुंजी मानते बड़ बड़ व्यवसायी रही कि साधारण जनता ए कौन से प्रकार फायदा पाई सरकार जो भाई जो कोरोना समय तेनाली योजना कराइला तेनाली आपको कमी देखुंत खासकर ये सेक्टर में केते दूर ओडिशा उपकृत हो यूनियन बजेट रे केते दूर सरकार स्वतंत्र योजना आनी पारती तो कहबी जे आमे बहुत बड़ बड़ कथा ना भाई अति मानते छोट छोट कथा देखा साधारण लोक क्या कहते तो मुझे कहे जो घर कथा किसी आलोचना कर समस्त वक्तव्य आलोचना करते सब लोग कमी घर पाइबे भी आम केन्द्र तरफ जो घोषणा कर सब घर को आम टैप रे पानी जोगे दबा से प्रोजेक्ट अधिका पैसा आलोकेट कर आउ गोटे कथा आम जो रोड कथा आम एबि प्रत्येक गाँव को आम रोड पहुंच पारे ना ये कथा कहीं कहूँ जो आप देखते नगड़ा आम ओडिशा जो आलोचना है तो नगड़ा को तो एबे रास्ता पहुंच गला जेतु मीडिया बहुत हाइलाइट है कि तो नगड़ा भलिया आम गाँ आम ओडिशा रे हजार हजार एम गाँ अच्छी तो जो एपर्त रास्ता पहुंच पारे ना तार प्रतबंधक मुख्यतः हूँ जेहेतु आदिवासी भाई भाई मैंने आमर सब जंगल भितर रोचार गोटे फॉरेस्ट क्लीयरेंस टा सब मेजर ऑब्स्टेकल हो रही जहाँफल कि गाँव को एपर्त पहुंच पार ना ये कथा मुझे कहीं कहूँ जे नगड़ा आम तो जादिन तेज नगड़ा को बुलवाक जाइली तापाखे गोटे गुआ शाल बोली गोटे गाँ अच्छी तो आम देख लु से गाँव को एपर्तंत रास्ता पहुंच पारे ये तो भात हाँ गोटे चाउल चिपला पी दृश्य दास मानते देखा एमती आहरी अनेक दृश्य रही है ओडिशा भितर अनेक जिन रही है से तो प्रश्न उठू जो भित्तिमि विकास कथा ये उठाऊे सरकार तापर गुरुत्व दे पारती बोली आलोचना करे प्रकृत में केते दूर से मानते उपकृत हो पारे साधारण जनता हाँ कहे जो पानी घर रास्ता समस्त घर को बिजुली समस्त घर पर बिजुली पहुंच पारे आमर जो स्वास्थ्य सेवा आम देखिले जो कोरोना महामारी समय आमको गोटे टेम्पोरारी हेल्थ सेंटर सब क्रिएट कराया पड़ा कौटी आमको क्वारंटाइन सेंटर कराया पड़ा कौटी आमको कोविड केयर सेंटर मानते हस्पिटाल कराया पड़ा तेनाली तो जापारे जदि अत्यावश्यक पड़ो आम स्वास्थ्य सेवा पर्याप्त नुहे आम खोजुचे आम केवल जहाँ रोग हेल्ले सब लोग ओडिशा सारा लोक भुवनेश्वर खुशी कहीं आसबे आमर जिला मुख्यालय कहीं आम सेमती सुविधा न करवा ब्लॉक हेडक्वार्टर आम कहीं सेमती सुविधा न करवा जो कि जो छोट छोट रोग चिकित्सा पारे मुझे जो आम डॉक्टर मान सहित कथबार्ता हुए से कहते सर 90% रोग आम जिला स्तर में ब्लॉक स्तर में आम चिकित्सा करपर ताहले जो भुवनेश्वर जो बड़ बड़ जो टॉपटियर हेल्थ केयर बोली कहा जाए जो प्राइमरी हेल्थ केयर गुडाक आम स्ट्रेंथन कर दिजाव अधिकांश लोक से चिकित्सित हो पारे आउ सब दुख लगे आपण भी बेले बेले देखु जहां गर्भवती महिला बेले बेले लगे तार जमी मानते गरीब जी तार जमी छुआ जन्म करार अधिकार नहीं गोटे मानविकता तार अधिकार नहीं कहीं कथा कहूँ जो जिला ब्लॉक स्तर जो आम हॉस्पिटल अच्छा गोटे कम्प्लिकेटेड केस को ट्रीटमेंट करेंगे इनफ्रास्ट्रक्चर ना डॉक्टर नाटे गोटे एनआईसीयू ना से जब छुआ जन्म करवा आवश्यक पड़ा से भुवनेश्वर आसा पड़ो आम शिशु भवन कटक को जवाब पड़ो मानते कह सीत दास की मानते मिनिमम सुविधा मिनिमम सुविधा मैक्सिमम को जानतु नहीं कि अति उन्नत धरण मत कहीं आशा करना मिनिमम सुविधा साधारण लोक दरकार आ साधारण लोक यह ही चाहते खास कर कोरोना समय बिल्कुल अति बड़ बड़ कथा भाग दरकार नहीं ये जो आम कहे आम दरकार आसली पानी दरकार घर को घर दर घर समस्त दरकार इलेक्ट्रिसिटी दरकार सब गाँव को रास्ता दरकार ए रास्ता पहुंच पाने स्वास्थ्य सेवा जमी घर पाखे पहुंचा दरकार ब्लॉक स्तर में जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर प्राइमरी हेल्थ सेंटर
रास्ता बेस कठिन माने चैलेंज रही केन्द्र सरकार कि केमिति भाव में समतुल बजेट टी आणिबे एवं जेतिकी मिनिमम चाहिदा रही साधारण लोकंकर ताकू से मिंटे पार्थिबे आपण जदि कहिबे मु आपण गोटे गोटे मने पकाइ दउछि। देखंतु कृषि सिंचाई योजना जलसेचन पई जो व्यवस्था करा जैतला पीएम किसान योजना कि प्रधानमंत्री आवास योजना आमे योजना सुनुछे कानुक बेस भलो भी लागुछे पण आसामे मते करछे कि सरकार जहाँ घोषणा करछन आमे तादर उपकृत हबा पर साधारण जनता उपकृत हबे किंतु कोट ना कोटे वास्तव रूप से नै सेटा मते आपण भी स्वीकार कोट ना कोटे करबे। देखंतु मैडम आपण जो प्रश्नटी पचारछन्ति से प्रश्नर उत्तर दवापाई जाए दुईटा एरिया को टच करी। प्रोफेसर अमरेन्द्र बाबू जो कथा कहते से कहते जे ग्रामांचल रास्तार उन्नति घटू मु अत्यंत स्पष्ट भाव में कौच केन्द्र सरकार तरफ गोटे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अच्छी जार प्रधान एवं प्रमुख लक्ष्य हूँ ग्रामांचल प्रत्येक ग्राम जोटी हजार लोक अच्छा से कंक्रीट रोड करने एवं सेथिपाई व्यापक फंड ओडिशा सरकार को दिया हाउची तेणु ओडिशा सरकार कार्यान्वयन कौन गोटे अभाव रोचे जो सेटा हो पार नहीं। द्वितीय कथा प्रोफेसर अमरेन्द्र बाबू जो कथा कहते पानी एवं घर कथा प्रधानमंत्री आवास योजना तो लक्ष्य हूँ 2022 मसीहा सुधा भारत बर्षर प्रत्येक लोक मुंड उपर छात घर राल घर रही से सब पैसा दिहि किंतु एटी जो राज्य सरकार अच्छी ये राज्य सरकार जो गति आगे चली मत तो लगुच 2040 मसीह बेलू भी से समस्त मुंड उपर छात घर हो पारे। तापर ज्ञान भाई मोर बड़ भाई जो कथा कहते जे केन्द्र सरकार ये ओडार जड़े टाणुआ नेता अच्छा आमर धर्मेन्द्र प्रधान बाबू अच्छा से जड़े टाणुआ नेता हिसाब से ओडार अच्छा समय कौन डेभलपमेंट हो प्रश्न से पचारुले तार उत्तर मुझे ये देखु गोटे LPG बटलींग प्लांट हो जो थरे कि सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होची। तापर रिपोर्ट कहुची जे उजाला रे ओडिसा सबुठ बड़ सफलता पाई ये सब संभव हो पार्टी केवल धर्मेन्द्र प्रधान महोदय लगी तेना से हिसाब से जे केन्द्र सरकार के पाखे योजना अच्छी कार्य करिबार मनोवृत्ति अच्छी ओडिसा रे जो राज्य सरकार अच्छा सी जदि कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन जदि प्रकृत रे केन्द्र सरकार जो योजना करछंती तार कार्यान्वयन तो एठी ओडिशा रे राज्य सरकार करिबे जे आम ओडिशा रो ही उन्नति हो ओडिशा रो उन्नति पळे आमे आपण माने बीजेडी रो नहंती कि आमे बीजेपी रो नहंती आमे समस्ते ओडिशा रो संतान तनो ओडिशा रो डेवलपमेंट पई केन्द्र सरकार जे को जे ओडिशा रो उन्नति कथा चिंता करिया पई आपण प्रतिक्रिया रखछंती मो सेटा राज्य सरकार को निवेदन करूछि शेष प्रतिक्रिया पार्टी लाइन आपण कठारु शेष प्रतिक्रिया नबा पई चाहिबे से तो बेउरा समय जते हम पाखरे कम क्षमा करबे से तो सामल कि शेष प्रतिक्रिया से कौन रखिए आसंता काली जेतु काउंटडाउन आरंभ हो कई घंटार अपेक्षा आसंता काली पेपरलेस प्रथम थर पर पेपरलेस बजेट उपस्थापन हो अनेक प्रसंग भी उठेले कि जो जो क्षेत्र में एवं भी डेवलपमेंट आवश्यकता रही है से क्षेत्र में उन्नति हेल्ले साधारण जनता उपकृत हे शेष प्रतिक्रिया से कौन रखिए प्रतिक्रिया अति स्पष्ट भाव में कह 1999 मसीह जिते ओडिशार कोस्टाल एरिया महावात्या जो दुर्विपाक आम सामना कर सेतबले पूर्वतन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी उटा कही थिले ओडिशार विकास पे अर्थर अभाव रहिबो नाही। मु गोटे कथा आपन कहिबाकु चाहे जो कथा सरोज भाई कहते जे मानव प्रधानमंत्री कही सारी 22 मसीहा सुधा समस्त मुंडे छात रहिबो एक जो व्यवस्था चलुची ओडिशा सरकार 40 मसीहा पर्यंत हबो आर समाधान किए करिबो ओडिशा सरकार 40 मसीहा पर्यंत नबो सेतरे केते महावात्या आसिबो केते माने फनी आसीबो केते हुडुडु आसीबो ओडिशार धनजीवन नष्ट होबो तेणु एथिरे केन्द्र राज्य उभय सरकार राजनीतिक कादुओ फिंगा न करिकरी ओडिशार केमदि मंगल हेई पारिबो कोउथरे गले प्रधानमंत्री आवास योजना रे लोक खंडे घर करी मुंडेरे रहिबो सेथिरे ओडिशा सरकारंकर शेयर केते केन्द्र सरकारंकर शेयर केते से लोगो खंडे करे बिजु पटनायक जो फोटो रहिबो कि आउ कार फोटो रहिबो ये कथा को न उठे साधारण लोकर केमदी मंगल हबो से चिंता करबा दरकार त देखिवार कथा आसंता कालर बजेट रूपरेख कोन रहूची एपो निर्मला सीतारमण डॉक्टर निर्मला सीतारमण कर भानुमती पेडी खोलिबा परे सेतरे कोन मैजिक आसुची कारण आर्थिक दुरावस्था दे जुभले परे देश गति कोची सेतरे साधारण जनता केते उपकृत होउचंती शिक्षा कोंतु स्वास्थ्य कोंतु कृषि कोंतु एमएसएमई कथा कोंतु अनेक जो एबो खासकर भूमि रो जो सुदृढ़ीकरण हेबो बा तार जो उन्नति पई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कथा मे कोचे भूमि रो विकास कथा कोचे सेति पई कोन योजना रखा जाईची
बजेट रे कोन रूपरेख रहिब तापर एबो समस्तक नजर तेनु आमर आज उपस्थापना जो आलोचना करा जाउतला स्वतंत्र आलोचना सेतरे जोग देथिबार बहुत बहुत धन्यवाद सीता सामल आमसत रहितले बीजेपी नेता आमसत रहितले ज्ञानदेव बेउरा कांग्रेस नेता बहुत बहुत धन्यवाद एबो आमसत मते आलोचना करले अर्थनीति विशेषज्ञ सीता अमरेंद्र दास प्रोफेसर अमरेंद्र दास आपन मनको समस्तक बहुत बहुत धन्यवाद समय जेछि आजर आलोचना को एट रखियो नमस्कार।